जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके चैनल नीता विक्रम में आप सबका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। हमेशा की तरह आप सभी के ईश गुरुदेव भगवान माता पिता सबको कोटि कोटि प्रणाम है। दोस्तों, साल में ये तीसरा ग्रहण आने वाला है, सूर्य ग्रहण। इसे खंडग्रास या कंकड़ा सूर्य ग्रहण भी कहा गया है और ये ग्रहण भारत में दिखाई देने वाला है। तो आप सभी को इसके विषय में सभी जरूरी नियमों का पता होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि दोस्तों ग्रहण काल बहुत ही विशेष होता है। इस समय पे हमें कुछ सावधानियां अवश्य बरतनी चाहिए, और ख़ास तौर पर अगर आप के घर में कोई प्रेग्नेंट स्त्री हैं, आप घर में पूजा पाठ करते हैं, उनसे संबंधित कुछ नियम हैं जो आपको इस पूरे वीडियो में, और ग्रहण का जो समय है वो भी मैं विस्तार से बताने वाली हूँ। दोस्तों, अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, बाजू में बनी हुई घंटी या बैल के आइकन को प्रेस करिए। इससे आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिले रहेंगे और आपका ढेर सारा प्यार मुझ तक इसी तरह पहुँचेगा। जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, जय माता रानी, जय श्री राम का जयकारा जरूर लगाएंगे। ग्रहण काल में भी दोस्तों हमें यही करना है, हमेशा अपने इष्ट भगवान का जाप करते रहना है। इससे आपको विशेष कृपा प्राप्त होती है, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जीवन में कोई कष्ट हो, तकलीफें चल रही हो, उनका नाश हो जाता है। दोस्तों, 26 दिसंबर 2019 की तारीख को बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण भारत में होने वाला है। यह गुरुवार का दिन है, थर्सडे का दिन है। 25 दिसंबर को आप लोग क्रिसमस मनाएंगे, तभी से इसका सूतक भी लग जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सूतक के विषय में बात कर लेते हैं। सूर्य ग्रहण है तो इसका सूतक 12 घंटे पहले लगता है, 25 दिसंबर बुधवार की तारीख को। 25 दिसंबर 2019 जिस दिन क्रिसमस मनाते हैं, बुधवार के दिन पर इसका सूतक शुरू होगा, रात में 8:10 से। रात में 8:10 के पहले आपको कुछ विशेष काम हैं जो ज़रूर कर लेने हैं, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो सूतक का ये समय है। इसके बाद जब सूतक लगता है, तब से 12 घंटे बाद सूर्य ग्रहण शुरू होता है, यानी सुबह के समय। 26 दिसंबर 2019 गुरुवार के दिन पे सुबह के समय 8:10 से ये ग्रहण शुरू हो जाएगा। ग्रहण का स्पर्श काल के बाद इसका मध्य देखा जाता है, तो ग्रहण का आधे का समय यानी मध्य का समय 9:31 है, और ग्रहण के मोक्ष यानी समाप्ति का समय 10:51 है। यानी अप्रॉक्स 10:51 यानी 11 बजे के बाद आपके जो शहर जहाँ पे भी आप रह रहे हैं वहाँ पे ग्रहण काल की समाप्ति हो जाएगी। तो दोस्तों, ग्रहण के पहले क्या करना है, ग्रहण के समय क्या करना है और ग्रहण के बाद क्या करना है, अब हम ये बातें ध्यान से सुन लेते हैं। तो दोस्तों, जब सूतक लगने वाला है यानी क्रिसमस के दिन 25 दिसंबर 2019 की तारीख में, रात्रि में 8:10 से पहले हर हाल में भगवान का पूजन कर लें, उन्हें शयन करा दें। क्योंकि जब ग्रहण का सूतक लग जाता है तब हम भगवान का पूजन नहीं करते। और दोस्तों, ये समय बहुत ही अच्छा है, हो सके तो इस समय से पहले ही आप खाना खा लें, क्योंकि नॉर्मली रात में खाना खाने का जो समय होता है वो 7 से 8 बजे के बीच में या 8 बजे के आसपास रहता है। तो इस दिन आप आधा एक घंटा पहले खाना खा लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि कई बार ग्रहण के समय में भोजन ग्रहण करना भी अच्छा नहीं बताते हैं, पर ये जो नियम है, ये जो भी गर्भवती स्त्रियां हैं, बच्चे, बीमार या बूढ़ों के लिए नहीं होते हैं। दोस्तों, ग्रहण के समय हम सिद्धियां प्राप्त करते हैं, हमारा शरीर बहुत ही ओजमय रहता है, हमें अपने इष्ट देव की कृपा बहुत जल्दी प्राप्त होती है। इसलिए हो सके तो इन कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। आपने अपने घर में जो भी खाना बना के रखा है यानी कुक्ड फूड, जिसे आपने तैयार करा है, जैसे दाल उबाली है, सब्जी बघारी है या रोटी बना के रखी है, तो उन चीज़ों में आप तुलसी का पत्ता या फिर दर्भ कुशा डाल सकते हैं। ये चीज़ें बहुत ही पवित्र होती हैं, ये आपके खाने में किसी भी तरह के बैक्टीरिया को प्रवेश नहीं करने देती। क्योंकि दोस्तों, हमारा जो ये एनवायरनमेंट है, इसमें सूर्य का एक विशेष योगदान होता है। यदि सूर्य की किरणों से हमें रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है और साथ ही साथ
ताप मिलता है, यानी तपन मिलती है, जिसके कारण कि बैक्टीरिया कम उत्पन्न होते हैं। पर जब भी किसी भी तरह की ग्रहण की घटना होती है, उस समय में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत ही मल्टीप्लाइड हो जाती है। इसलिए ऐसा कहा जाता है इस समय में भोजन हो सके तो ग्रहण न करें। और इन्हीं सब चीज़ों से बचाने के लिए खाने पीने के पदार्थों में, यानि पानी जहाँ आपने भर के रखा है पानी, उसमें भी तुलसी या कुशा डाल देनी चाहिए। जो भोजन आपने पका के रखा है उसमें भी तुलसी या कुशा डाल देनी चाहिए। कच्ची खाद्य पदार्थ की सामग्री या फिर आपके घर में रखे हुए अनाज पे इसका कोई असर नहीं पड़ता। या पक्का भोजन जैसे कि पूड़ी हो, या फिर जो भोजन हम लंबे समय रखने के लिए मठरी, खाकरे, मिठाइयाँ इत्यादि बनाते हैं, उन पे इस चीज़ का असर कम पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो शेल्फ़ लाइफ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो वो इतनी जल्दी इस समय में नहीं सड़ते हैं। तो केवल वही भोजन जो जल्दी ख़राब हो जाता है उसमें हमें कच्चे भोजन में तुलसी या फिर कुशा डाल देनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो घर का पूजा का मंदिर है वहाँ से आप थोड़ा गंगा जल पहले ही निकाल के बाहर एक कटोरी में रख लीजिएगा। इसका प्रयोग आप जब सुबह ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके बाद कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो घर का पूजा घर है वहाँ पे भी भगवान का जो भी आप भोग रखें उसमें भी थोड़ा सा तुलसी का पत्ता या फिर कुशा रख सकते हैं। अब बहुत सारे लोग भोलेनाथ या फिर किसी किसी भगवान का भोग है तो आप भोग या तो हटा के रख दें या फिर आप उन्हें फल, मेवे इत्यादि चढ़ाएं जो कि ग्रहण काल में ख़राब नहीं होते। और भगवान के मंदिर को 8:10 से पहले 25 तारीख यानी क्रिसमस के दिन पर रात में ढक दें, क्योंकि हमें इसके बाद भगवान की पूजा जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके बाद ही करनी होती है। ग्रहण काल में भगवान के मंदिर में पूजन नहीं करा जाता, तो सभी जगह के मंदिर इस पूरे समय में बंद रहेंगे। तो ये विशेष काम आपको ग्रहण शुरू होने से पहले कर लेना है। अब जब दोस्तों ग्रहण का सूतक लग जाता है उसके बाद कई सारे लोग सोते नहीं हैं, तो अब रात का समय है पर बहुत सारे लोग सो भी जाते हैं, तो दोनों ही बातें अपनी अपनी जगह ठीक है, क्योंकि जो लोग साधना कर रहे हैं वो इस समय का महत्व जानते हैं और सोते नहीं हैं और जगते हुए साधना करते हैं। दोस्तों जगने का मतलब ये नहीं है कि आप जग के टीवी देखें, मोबाइल देखें। जगने का महत्व तब है जब आप किसी खास मंत्र का जाप कर रहे हों, अपने ईष्ट का पूजन कर रहे हों या ध्यान लगा रहे हों। अन्यथा यदि आपको अगले दिन ऑफिस जाना है, आपके अपने खुद के काम हैं, तो इस समय में आपको सो जाना चाहिए। और नॉर्मली जो भी गर्भवती स्त्रियाँ, रोगी मनुष्य हैं वो इस समय में सो सकते हैं, बच्चे भी सो सकते हैं। सुबह के समय दोस्तों ग्रहण की शुरुआत होगी 26 दिसंबर 2019 की तारीख को 8:10 पे। विशेष समय है दोस्तों, आप ग्रहण या तो शुरू होने से पहले ना लें या फिर ग्रहण ख़त्म होने के बाद नहाना चाहिए। जब ग्रहण चलता रहता है उस बीच में स्नान नहीं करना चाहिए, ये एक बहुत ही विशेष नियम है। बहुत सारे लोग जिन्हें ऑफिस जाना है या फिर स्कूल जाना है, कहीं भी जाना है, उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगी। वैसे स्कूलों की तो खैर छुट्टी लग गई होगी, क्रिसमस हॉलीडेज़ हैं, तो यदि जिन लोगों को ऑफिस जाना है वो सुबह 8:10 से पहले नहा के जल्दी ऑफिस चले जाएँ, क्योंकि ग्रहण के समय में कई लोग ग्रहण को खैर देखते भी हैं, देख के उसका अवलोकन करा जाता है कि इस समय पे पृथ्वी के जो वातावरण है उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो वैज्ञानिक तो ऐसा करते ही हैं, बट आजकल काफ़ी सारे स्कूल और बहुत सारी जगह बच्चों को इस चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है, तो उसमें कोई बुरा नहीं है, मैं बुरा नहीं बोलूँगी उस चीज़ को, क्योंकि विज्ञान और ज्ञान दोनों साथ साथ चलता है। तो अंधविश्वास में तो हमें जाना नहीं है, इसलिए हाँ आप लोग पर स्नान का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि इस समय पे यदि आपको ग्रहण भी देखना है तो या तो आप पहले स्नान कर लें, वरना ग्रहण की समाप्ति के बाद, ग्रहण के मोक्ष काल के बाद स्नान ज़रूर करना चाहिए। और जब ग्रहण समाप्त हो जाए यानी 10:51 या 11 सुबह 26 दिसंबर 2019 की तारीख में, उसके बाद आपको स्नान करके दान देना चाहिए। ये दान आप मंदिर में दे सकते हैं, किसी पंडित को दे सकते हैं, किसी ज़रूरतमंद स्त्री या पुरुष को भी दे सकते हैं। दान देने का विशेष महत्व ये होता है कि जो पूजा
पाठ, इष्ट की आराधना, साधना आपने करी है वो सिद्ध होती है। दोस्तों आप जो भी मंत्र हैं उनका जाप करते हैं तो लाख गुना आपको उनका फल प्राप्त होता है, आपके इष्ट आप पे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अब जो स्त्रियां गर्भवती हैं उन्हें सिर्फ कुछ छोटी बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि ग्रहण के समय नहाना नहीं होता है, या तो आप ग्रहण काल के पहले नहा लें या जब ग्रहण का मोक्ष हो जाए उसके बाद नहाना बहुत ही उत्तम होता है। जब दोस्तों ग्रहण खत्म हो जाता है उसके बाद अपने पूरे घर में, जो मैंने आपसे बोला था ना, थोड़ा गंगा जल निकाल के मंदिर से रख लीजिएगा, उसका छिड़काव करना चाहिए। जो भी आपके घर का बासा भोजन बच गया है तो आप उसको हटा सकते हैं, फेंक सकते हैं, या फिर जानवरों, गाय इत्यादि को खाने के लिए दे सकते हैं। आपको इसके बाद ताज़ा भोजन बनाना चाहिए, घर में विधिवत पूजन इत्यादि करके फिर आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो दोस्तों जो गर्भवती स्त्रियां हैं सिर्फ उनको एक ही छोटी सा सजेशन है, हो सके तो ग्रहण काल में आप अपने घर पर रहिए, बाहर मत निकलिए। 11 बजे के बाद आप आराम से बाहर निकल सकते हैं। कई बार लोग बाग अपने घरों में रह के, जो भी गर्भवती स्त्रियाँ हैं ऐसा कहा जाता है, उन्हें किसी नुकीली चीज़ का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे चाकू, छुरी या फिर कोई सुई धागा इत्यादि, इस तरह की चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और विशेष करके ग्रहण काल में बाहर का जो वातावरण होता है उसमें बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, सिर्फ इसी कारण आपको बोला जाता है कि आप घर पर रहें, आराम करें, अदरवाइज़ एवरीथिंग इज़ ओके, आपका बेबी और आप पूरी तरह से सुरक्षित होते हैं। ग्रहण काल को लेके जो बहुत सारे डर बताए जाते हैं, हवा बनाया जाता है, उनको मैं आपके लिए बोलूँगी बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं होता है, इट्स ऑल ओके। ये एटमोसफियरिक चेंज है, एटमोसफियरिक घटना है, जिस समय में हम बोलते हैं ना जैसे पूजा के शुभ मुहूर्त, उसी तरह से होता है। जब भी एनर्जीज हाई होती हैं, यदि आप पूजा पाठ यानी जाप करते हैं तो आपको उसका ज़्यादा फल मिलता है। और जब ग्रहण समाप्त हो जाएगा उसके बाद आप अपने भगवान के मंदिर का विधिवत पूजा आरती इत्यादि कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ सूर्य ग्रहण का ये विशेष वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसे लाइक ज़रूर करिए, और मेरे सभी वीडियोस देखने के लिए कमेंट सेक्शन में दिया हुआ पहला कमेंट आप देख सकते हैं, और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। साल 2020 का भविष्यफल राशिफल आपके लिए ऑलरेडी चैनल पर आ चुका होगा कुछ ही दिनों में, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। अगली बार फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।